इस्माक जी, मियाँ को नाम चौधरी को नाम हो जीतू। अब चौधरी के माउस पहले भाई लचारी क्या क्यों थी बोबी का ब्याशा हो मैं कोई बार ती बार जी मिले तरह बोबी के जी मिले तू गणा चौधरी के मंगलवार पुण्यो शनिवार की धोख देता मियाँ जी जी मैं तो 15 साल होगी। एक दिन जाठनी बोली जी तने इस्माक जी और कणा बतलाए को नहीं आके त्यौहार को नहीं आवेगी कणा कही को नहीं। चौधरी बोले इस्माक ने अब बूझ लिया के है। चौधरी बोले इस्माक जी तारे तुम्हार को नहीं आ। बोले यार 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 मिठी इधन विकाल है। तो बोले इधन क्यों बनाओगे? बोले हाँ खीर बनावा आलू बनावा सही बनावा खीर बनावा। और तीसरे दिन चौधरी जाठनी बोलियो बोले मेरी रोटी मत पाई मैं तो स्पाकड़ा घर जाऊंगा बिना बुलाए। मियाँ जी के घर में क्यों कमजोरी थोड़ो पाएगी मैं शीरो बना रखियो वो जीत तो आ तो देखियो बिना नुते। हाँ मियाँ जी उदास होगा। बीबी बोली जी उदास क्या होया? बोले जीत तो आवे है जीता ने नट भी कौन सका क्यों आने का राजीन किया वहां और जे जिमावा तो पाव की को शीरू है और जीत तो एक दो सामट जिसी अपला घर का के कर सिया और जे फिर भी जिमा दिया तो इन पाव की हूं जितन के सर है एक तो 2 किला की माटो बुंजड़ो जना ओबर है एक देखो मेरी ओसी बेजती। बीबी बोली जी क्यों बेजती को नहीं होती उदास मतो बोलो के करा बोले आप कड़ा गांठ लिया। मियाँ जी बोलो फूक घास थोड़ी बड़े है केकड़ा गांठ सी। बीबी बोली जी इया करा थे तो जितने दिन दुआ सलाम करके बैठा दियो और अपन दोनों आगन जाके लड़ मरशिया जितोगे झक मारे मत ही चलो जी। अब जितने दिन दुआ सलाम करके बैठा दियो आगन जाके मी और बीबी लड़ लगा। अब जोर जोर से लड़े या तेरा सत्यानाश जाए या अल्लाह मारेड़ा फुलान डेकड़ मियो जी भींत पर दे और खुड़को और बीबी मिल की के या तेरा सत्यानाश जाए अल्लाह मारेड़ा मन क्यों मार रहा है। अब लड़ता लड़ता घर के बाहर ना गा। चौधरी देखियो ना आधी घंटा तो गई लड़ता ने ए तो 2 घंटा और काट दी अपा मरता मरा हाँ अपनो भूख थोड़ी नीच रह गए अली रे शोबड़ी में टंटोला क्यों है के ना वो शेरियो तो बनाई हो ही के। अब चौधरी ने के चमची चाहे ही सिद्धो कड़ाई में लाग गो हो अरबिन पूरन सामट है अरे रसोई माचो पड़े भी के नीचे सो गो। अब मिया बीबी की नजर दुनिया की चौधरी पे देख गया कि क्यों लड़ा थोड़ी है पोली में देखियो कौन दिखियो आगन कोठा में देखियो कौन दिखियो रसोई में देखियो कौन दिखियो अब बापड़ा भी माचा के नीचे क्या तीन देखा। बीबी बोली काट दिया जना। मिया जी बोले तू थोड़ी काट दिया मैं सागे मेहनत करी। बीबी बोली ना एक मां मेरी करामात है अरे मैं खूं भी बिशानी आंखा के लगाया पानी मैं खूं भी बिशानी आंखा के लगाया पानी रोई मैं रोई मैं रोई मैं माते जोर जोर से रोड़ा करे अपन रोई थोड़ी। मियाँ जी कहे मैं घूमी अमल्ला कर थप्पड़ मारिया नकुल्ला अरे मैं घूमी अमल्ला कर थप्पड़ मारिया नकुल्ला मारी मैं भी नहीं रे मारी मैं भी नहीं ओ मारी मैं भी नहीं रे मारी मैं भी नहीं मारी मैं भी नहीं रे मारी मैं भी नहीं। मियाँ जी बोले अत्ता जोर को खड़का करे मत तेरे दी थोड़ी अब चौधरी माछा के नीचे ही तो पड़ी हो बेटे हूँ पढ़ियो पढ़ियो बोलियो मैं हूँ जाट जिता तेरा पड़ा कड़ा यार रिता अरे मैं हूँ जाट जिता तेरा पड़ा कड़ा यार रिता गया मैं भी नहीं रे गया मैं भी नहीं गया मैं भी नहीं रे गया मैं भी नहीं गया मैं भी नहीं रे गया मैं भी नहीं गया मैं भी नहीं रे गया मैं भी नहीं। चौधरी बोलियो क्यों रामायण करो ये शेरिये खातरी तो करा इन सामट दियो मैं अठे ही हूँ सुना सुम गयो को नहीं आता है तो लीजिए कि दिने जी रात आलो भजन सुना दू फिर ये भजन भगवान शंकर के चरणों में अरे सकल प्रकारत है दुनिया में उत्तम नर पाते हैं चांदने और रह जाते हैं।
उत्तम नर पाते हैं जो थे निर्भाग सौंदड़े कोरे जाते। अंकल जी आसाब मेरी बात तो सुनो, पेशाब कर गया कोई बात कौन करो ठीक है पोते ने दादो और पोतो तो भाई ला मैं बिल्कुल वही। एक बार कोई दादो पोतो ठिकाना में चले गया, अब वो छोरो चाई हो गुदड़ा में पेशाब कर तो पण गरकान दो फेरो हो ठिकाना में चले गयो जना नेकर पैर तो पण जके जाएंगे भी माई की पैर लियो नेकर ऊपर की पैर लियो चले गया दादो पोतो सोगा जना छोरो नेकर ने तो खोल की सिराने दे ली जाएंगे मैं सुत्यो पेशाब तो करना ही है करना सारी बात हम गुदड़न है बेकी नक्की करियो दिन ये उठ सुदिया और गोजी जाएंगे ने खोल की तो गोजी हम गा लियो नेकर फेर लियो पर ठिकाना ने बोले बोले ओ ये जो था जी वो राम नहीं सिरे बोल तो तुसगड़ी खाट को सत्यानाश कर दियो और दो थड़ी ने पूरी नहीं बेराखी है छोरा वो ध्यान राखियो पजामे को सत्यानाश नहीं कर दे बो माई के जाएंगे भी रख रहा सकल पदार्थ है दुनिया में उत्तम नर पाते हैं जो थे निर्भाग चांदड़े कोरे रह जाते। एक समय की बात है भगवान शंकर पार्वती मृत्यु लोक को भ्रमण करने वास्ते मृत्यु लोक में जाए और चलता चलते एक गांव में जाए और एक ब्राह्मण के घर राम करे रखी बार तबड़े रखी अपनी राम सभा सुने। एक समय एक नगरी में महादेव उमा संग आए थे। घरे ब्राह्मण के घर तीन प्राणी पाए थे। अरे तो माँ बेटा एक पिपर टूटे से घबराए थे। आता देखा शिव लहरी को चरणा शीश नवाए थे। भाग दौड़ लागे सेवा में सेवा को सिर खाते हैं। भाग दौड़ लागे सेवा को सिर खाते हैं। जो हो पे निर्भाग चांद दे गोरे रह जाते छूटे
जाड़ो काम थे सामान में लेके दुकान लगा मिली है का फरी सेवा करो फरी सेवा। अच्छा 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 ठीक है तो जा बनाया या का बना शो। अच्छा अच्छा बन पादी तो थे बनाई ही ध्यान रखियो जाको वो जो होते निर्वाग चांदड़े कोरे रह जाते हैं वो जो होते निर्वाग चांदड़े कोरे रह जाते हैं। ओ मेरा बाबा कच्चे राले शंकर भगवान की। एक समय एक नगरी में महादेव उमा संग आए थे जाके ठेरे ब्राह्मण के घर तीर प्राणी पाए थे। दो माँ बेटा एक भी पर था टोटे से घबराए थे और आता देखा शिव लहरी को चरणा शीश भाग दौड़ लागे सेवा में सेवा को सिर ठाते हैं जो थे निर्भाग चांदड़ी कोरे भगवान शंकर की पार्वती की। ब्राह्मण ब्राह्मणी बाओं को लड़को खूब सेवा करे लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीब वो था तो बाकी गरीबी सेवा भावना देख की पार्वती ने दया आ जाए तो पार्वती भगवान शंकर ने के रोटी ले जाओ घर जाता चाबू कड पार्वती और बाकी तीन माँ की गरीबी सेवा भावना देख की भगवान शंकर ने कहे काबरू देखो भाई बीच बीच में खड़े मैं तो एक बार कोई जानू तो चले जाओ भजन की कड़ी जद और भी की भूमिका बनने लगे ने भी कमा बीच में खड़े मत हो। उन तीनों की दशा देख माने वचन उचारे अनतन के भंडार भरो पति भूखे मरे। हे भगवान शंकर तारकन कोई चीज की कमी को नहीं और आपने कन बापड़ा कर क्यों हाथ को नहीं और यह करो अन्न भी क्यों नहीं क्यों दो। शंकर भगवान बोले पार्वती शिव लहरी तब कहण लाग क्यों पीछे पड़ी हमारे और नहीं लिखा है बाग में जिनकी हम को देने बिना बाग तो भीख में लेने वैद्य शास्त्र गाते हैं जो थे निर्भाग चांदड़े कोरे। शंकर भगवान पार्वती ने कहला गया पार्वती समय सु पहले और भाग्य सु ज्यादा कोई नहीं मिले अब आप शास्त्र में भी लिखेड़ी है वेद में भी लिखेड़ी है पुराण में भी लिखेड़ी है। शंकर भगवान ने पार्वती बोली महाराज बापड़ा ने टक्को दियो बोली और बात करो शास्त्र तक कर बात करो कोरी सूखी अन क्यों नहीं क्यों देते जो तो थे आके इसको पार्वती आना तारीफ किया दिया लेकिन आगे भाग्य में कोई लिखेड़ी पढ़ाने तो टक्को दिखाई ही कोई सूखी बात ही करो। एक बार की बात है किरडोर खिटकिलारी जानवर को भी अलग अलग स्वभाव है खिटकिलारी सदा हरी जगार है किरडो सदा सूखी जगार। एक बाग के मायक है खिटकिलारी रिहा करती एक किरडो बोलियो बटके चलियो गयो अबे किरडल भूख लाग रही खिटकिलारी ने बोलो तू मेरी द्रम की भाणी क्यों खाने वास्ते दे खिटकिलारी कना आम कना अमरूद कना बोरिया या करके किरडे को पेट भर दे पेट भरता ही किरडे को जाट को स्वभाव एक सो है रंग बदल तो देर नहीं लगा हुआ पेट भरता ही बोले भाई कना मार लगाऊ का नहीं भी आई खिटकिलारी भूली बटकी चली गई यार एक सूखी झाड़ी की टोखी पर बैठियो खिटकिलारी बोली रे भाया मार लो भाई की बोले भाई सागी भाया नीचा जी बात करा अब टोकी पर पेड़ा ताई दो सरड का नीचा वर दो ऊपर जार दो नीचर दो ऊपर दो नीचर दो पारे लास्ट नंबर में भाई मार्ग ने खुआन ने पान ने तो क्यों हाथ को नहीं अरे सूखा सरड का नीचा ही जता है। भगवान शंकर ने पार्वती कहना कि महाराज सूखी बात करो बापड़ा ने क्यों नहीं क्यों दो। शंकर भगवान कहना कि ठीक है पार्वती तू अति जिद्दी करे तो अगर मैं तीन आदमी तीन मान एक एक वरदान दू आपकी इच्छा वो मांग ले तो पहलो वरदान और पंडताई नहीं मांगे है
पंडित जी की उम्र 75 साल, ब्राह्मणी की उम्र 70 साल। तो पहलो वरदान ब्राह्मणी मांगे के बार तपने रखे अपनी राम सभा सुने बेटा जाओ ये कैसे हो लगा। एक कोई दिन से दूसरे स्टेट का बंगाल का बठिन का आदमी अपने राजस्थान में आ गया। निशेड़ी आदमी है, अम्मल खाया करता। चलता चलता गाँव में आ गया बार गाँव। अरे अपने जगह आधा पांती वाला रमन ने ट्यूबवेल पर देखो भाई रोड़ा मत करो थारे टू बन शीरी के तो गाँव में जाए बोले शीरी राख लियो शीरी राख लियो। एक चौधरी बोले भाई अम्मो राख लियो कर लियो के बोले सो क्यों कर लिया। चौधरी बोले रे ऊंटा की गुआली कर लियो के बोले काम ही वही करो श्रद्धा। अब बन ओ बेरो को नहीं ऊंट क्या निके पर मुड़ा हमल भर ली शाणा के यहाँ का न तो अगले को नाव बुझो न जात बुझी। रात में रोटी खा के सोगा सुबह चौधरी ऊंटिया ने मुंडा के कर दिया चला गया भीड़ में लेगा ऊंटिया थोड़ी देर तो चरियार फिर बैठ गया। नब्बे देखियो आपा भी नशो कर लिया बेबी ने शोकर की शोगा आधे के घंटा भी ऊंटिया तो उठ की चला गया। और बाकी आंख खुली दो तीन घंटा बाद में देखे तो ऊंट को नहीं देखियो आप अगले ने जवाब भी की दिशा। अब ऊंटिया गया जना के कर रहे हो मींगना करगा आप संगाणी तो मींगना की जोड़ी बटली। अरे गेले गेले एक आदमी जाओ भी गाँव को बिन बोले भाई जेठे ना हो बोले बोल भैया बोले बन कह दे थे जक्का का रवा मे बिन के की करे नाम बताए तो बता दे बन कह दे थे जक्का का रवा मे बांका चलिया गया बे। अरे बांका रे गया ए ए रे गया सुतिया तो पहले वरदान ब्राह्मणी मांगे रखी बार था बने रखी अपनी राम सभा। अरे पहली बार भी पराणी बोली ऐसा वर मैं चालू ओ पहली बार भी पराणी बोली ऐसा वर मैं चालू सुंदर श्याम